हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ पूजा यादव। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब की, इसकी अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब is a curved tube placed in trachea through mouth or nostril used for intubation। मतलब कि endotracheal tube जो है वो एक curved tube है जो कि trachea में place की जाती है through mouth और nostril intubation के time पे। तो एक एक करके हम इसके parts पढ़ेंगे endotracheal tube के। तो starting करते हैं हम इसके proximal end से। तो जो ये वाला जो एंड आप देख रहे हैं, ये एंड का जो साइज़ है, इसे पहले तो हम इसका जो नाम है इसे कहते हैं कनेक्टर या फिर अडैप्टर। इसका जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, दैट इज़ 15 mm। तो ये जो कनेक्टर है इसे हम वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं यहाँ से। तो दिस इज़ कनेक्टर अडैप्टर, और स्टैंडर्ड साइज़ जो है इसका ये है 15 mm। इसके बाद आप यहाँ से ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग देख रहे हैं, ये है इसकी ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग। तो इसके जो एंड में आप देखेंगे, एंड में ये एक आप वोकल कॉर्ड लाइन देखेंगे जो कि एक मार्कर की तरह काम करता है। तो वोकल कॉर्ड लाइन जो है, इट इज़ प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड सो दैट द टिप इज़ टिप, यानी कि जो इसकी ये जो टिप है इसे हम बेवल भी बोलते हैं। तो सो दैट द टिप इज़ प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, यानी कि ये जो वोकल कॉर्ड लाइन है इसे हम वोकल कॉर्ड के ओपनिंग जो है वोकल कॉर्ड की वहाँ तक रखते हैं। और ये जो इसकी टिप है, इस टिप को हम ट्रेकिया की बाइफर्केशन तक लेकर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका ये पार्ट, ये जो है इसे कहते हैं कफ, यानी कि एयर फिल्ड कफ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में जो कफ है वो मेनली दो तरीके के कफ होते हैं। यानी कि पहला जो कफ है वो है लो प्रेशर हाई वॉल्यूम कफ। ये वाले जो कफ हैं ये मेजॉरिटी में यूज़ किए जाते हैं। तो लो प्रेशर हाई वॉल्यूम कफ की जो एडवांटेज है, इसकी वजह से लेस चांसेस ऑफ ट्रेकियल नेक्रोसिस एंड इस्चीमिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रेकियल नेक्रोसिस या फिर ट्रेकियल इस्चीमिया के। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ड्यू टू लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया इट कैन रन इन टू फोल्ड्स एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। यानी कि जो इसकी ये जो लाइनिंग है, इसका जो कॉन्टैक्ट है ये ट्रेकिया से बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से एस्पिरेशन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और दूसरा जो है, दूसरे टाइप का जो कफ है वो है लो वॉल्यूम हाई प्रेशर। यानी कि इसकी जो कफ की जो सीलिंग होती है वो बहुत ही हाई प्रेशर होता है इसमें, और वॉल्यूम जो है वो कम होता है। तो इसकी क्या एडवांटेज है, इसकी एक एडवांटेज है सील जो होती है इसकी बहुत ही अच्छी होती है, और डिसएडवांटेज जो है इट रिजल्ट्स इन हाई ट्रेकियल नेक्रोसिस एंड इस्चीमिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज़ वेरी हाई। तो मोस्टली जो प्रेफर किए जाते हैं कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब में वो होते हैं लो प्रेशर हाई वॉल्यूम वाले कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो काम क्या है, इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो है, ये एक सीलिंग प्रोवाइड करा देता है और जो कफ है वो पॉजिटिव वेंटिलेशन को भी अलाउ करता है। तो इसके बाद आप अगर हमें इस कफ को इन्फ्लेट करना हो, हमें सीलिंग करनी है ट्रेकिया में, तो एक सिरिंज की हेल्प से आप ये एक
ट्यूबिंग देख रहे हैं, पतली वाली ये जो ट्यूबिंग है, तो यहाँ पर ये है वन वे वाल्व होता है और दिस इज़ कॉल्ड पायलट बलून। तो इस पायलट बलून की हेल्प से, वन वे वाल्व की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस कफ को इन्फ्लेट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसे प्रेस किया इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि ये जो कफ है ये इन्फ्लेट हो रहा है। तो ये ट्रेकिया में जाके सील प्रोवाइड कराएगा और सील प्रोवाइड कराने के बाद जो है वो एस्पिरेशन के चांसेस और काफ़ी मैटर का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता है और गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छे से होता है। तो अगर हम, ये वन वे वाल्व है तो इसकी वजह से जो ये सीलिंग है, ये कफ जो है वो इन्फ्लेट रहता है, और अगर कफ जो है वो डीफ्लेट हो रहा है, अगर इसमें प्रेशर कम हो रहा है, तो वो हम इस पायलट बलून की हेल्प से चेक कर सकते हैं। इसका भी प्रेशर जो है वो कम होने लगता है अगर ये कफ जो है डीफ्लेट होता जा रहा है, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो अगर कम होता जा रहा है, तो हम पायलट बलून की हेल्प से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक और ट्यूबिंग लगी हुई है जिसमें ये येलो कलर का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबिंग है। तो ये जो है ये मेनली सक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से सक्शन ट्यूब लगाकर हम सक्शन, सिक्रीशंस का जो सक्शन होता है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसे मैं पहले डीफ्लेट कर देती हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक होल दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड मर्फीज आइस, मर्फीज आइस। और ये जो स्मूथ एंड टिप आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड बेवल्स। तो अगर ये मर्फीज आइस का फंक्शन क्या होता है कि अगर यहाँ से सिक्रीशंस या फिर ब्लड की वजह से यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, पर मर्फीज आइस की हेल्प से जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं बेवल्स के बारे में। तो बेवल्स जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, यानी कि लेफ्ट फेसिंग और दूसरी होती है राइट फेसिंग। तो यहाँ से आप देख रहे हैं दिस इज वोकल कॉर्ड, दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसकी जो बेवल है वो लेफ्ट फेसिंग है, और दिस इज लेरिंजोस्कोप। यहाँ पर भी दिस इज वोकल कॉर्ड, ईटी ट्यूब, लेरिंजोस्कोप। तो अगर हम लेरिंजोस्कोप से लेफ्ट फेसिंग बेवल से देखते हैं, तो यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, सही से दिखाई देता है। लेकिन राइट साइड फेसिंग से क्या होता है कि यहाँ से अगर हम लोग लेरिंजोस्कोप की हेल्प से व्यू जो है वो ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मोस्टली लेफ्ट फेसिंग बेवल वाली जो ईटी ट्यूब हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो नेक्स्ट हम ईटी ट्यूब में देखते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। इसकी ये जो ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ये ब्लू कलर की जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज़ द रेडियो ओपेक मार्कर। इसकी हेल्प से हम जब एक्सरे करते हैं तो ट्यूबिंग को हम देख सकते हैं, ट्यूबिंग की जो प्लेसिंग है वो सही है या नहीं है वो देख सकते हैं, दिस इज़ रेडियो ओपेक मार्कर। अब हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दे रखी है, तो इस मेजरमेंट से अब एंडोट्रेकियल ट्यूब के दो डायामीटर होते हैं, दैट इज़ इंटरनल डायामीटर एंड आउटर डायामीटर, और वो इसमें मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं आईडी लिखा हुआ है, दैट इज़ इंटरनल डायामीटर। इस ट्यूबिंग का जो मेरे हाथ में ईटी ट्यूब है, इसका इंटरनल डायामीटर है 7.5 mm और इसका आउटर डायामीटर है 11.2 mm। जैसे कि आप देख सकते हैं डायामीटर, तो दिस इज इंटरनल डायामीटर दैट इज 7.5 mm, एंड दिस इज ये वाला जो डायामीटर है, दिस इज 11.2 mm, दैट इज आउटर डायामीटर, इंटरनल डायामीटर एंड आउटर डायामीटर। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी
मेजरमेंट दे रखी हैं, दैट इज 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29 सेंटीमीटर। तो ये जब इंट्यूबेट करते हैं किसी पेशेंट को, जब इंट्यूबेशन किया जाता है तो ये हमें लेंथ बताती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ओरली, यानी कि इसकी लेंथ से हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी जो ईटी ट्यूब है ये ओरल कैविटी में है या टीथ तक आ रही है। तो ये हो गई हमारी ईटी ट्यूब के बारे में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंडोट्रेकियल ट्यूब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।